रीवा के रोसर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के पहले सर्व सुविधा युक्त बनने जा रहे वृद्धाश्रम का भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में बनने वाले प्रदेश के पहले सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम की आधारशिला रखी। रौसर के पिपरा गांव में इस दौरान केंद्रीय मंत्री थोड़ा भावुक नजर भी आए। यहां का नज़ारा बिल्कुल बदला बदला नजर आया। पारिवारिक माहौल में श्री सिंधिया के पिता के नाम पर वृद्ध आश्रम बनाने का काम किया मादा राव समिति के अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने अपनी जमीन में, जिसकी श्री सिंधिया ने जमकर प्रशंसा की। श्री सिंधिया का कहना था, आज के परिवेश में इतना कौन करता है जितना मुकेश श्रीवास्तव ने किया है। मुकेश श्रीवास्तव से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारा पुराना नाता है। वहीं मुकेश श्रीवास्तव ने भी उन्हें साधुवाद देते हुए कहा, आज हमारे बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं, जिन्होंने आज हवाई अड्डे में पहुंचकर रीवा में बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। जल्दी यहां पर 72 सीटर विमान उतरने लगेगा। वहीं रीवा रेलवे स्टेशन को देश के नक्शे में लाने का काम इनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने किया था। साफ तौर से माना जा सकता है, विकास की आधारशिला का जो नज़ारा रीवा में आज दिखाई दे रहा है वह सिंधिया परिवार की देन है। पिता ने जहां रीवा को रेल के नक्शे से जोड़ा, वहीं उनका बेटा आज हवाई सेवा से रीवा को जोड़ने जा रहा, ऐसा शायद ही कहीं हुआ हो। माना जा सकता है सिंधिया के रीवा से काफी गहरे नाते हैं। बहुत ही भावुक क्षण है। जिंदगी में जिस पथ पे हम चलते हैं, जो मुकेश जी ने अभी कहा कि हमारा पथ और लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा पथ और लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के। बहुत बिरले ऐसे लोग हमको जिंदगी में मिलेंगे और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध पिछले कई दशकों से बना है, मुकेश श्रीवास्तव जी के रूप में।